गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी, होप करता हूँ गाइस आप लोग एकदम मस्त होंगे। भाई साहब मैं सैयद असद, स्वागत है आपका मेरे एक प्यारे से व्लॉग में। तो भाई साहब आज का दिन है वेंसडे और अभी भाई साहब दोपहर के 2 बज रहे हैं। मौसम देखो कैसा हो रखा है, मौसम देख के गाइस लग नहीं रहा होगा कि 2 बज रहे हैं, बट एकदम फुल दोपहर हो चुके हैं। और गाइस एज यू नो डेट विंटर सीजन है और मैं आ चुका हूँ गाइज अपने खेतों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको खेतों का पूरा व्यू चेक कराते हैं। ये गेहूँ की खेतियाँ ये देख सकते हो। और गाइज हमने अपने खेत में नीलगाय से फसल के बचाव के लिए देखो क्या लगा रखा है। 2 आगे हैं और भाई साहब ये इस तरफ देख सकते हो 3-4 इस तरफ भी लगे हैं। गाइज ये हैं पुतले, मतलब स्केयर करो, और ये लगे रहते हैं तो नीलगाय लोग मतलब आते नहीं ज़्यादा खेत में, इससे थोड़ा बहुत तो डरते ही हैं। और देखो सिर्फ मेरे खेत में लगा और किसी के खेत में नहीं लगा, क्योंकि मेरा खेत ये लोग बहुत ही ज़्यादा चर डाले थे तो इससे लगाना पड़ा। ये देख सकते हो और ये देखो भाई साहब ये लोग कितना ज़्यादा खेत चर डाले हैं। देखो ये देख सकते हो इनके पग चिन्ह ट्रैक्स, और ये देखो गाइस ये लगता है आज ही चरे हैं। ये लगा है गाइस स्केयर करो लगा है, फिर भी ये लोग इससे डरते नहीं यार, फिर भी चले आते हैं खेत में। और अभी भगा के आया हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा नीलगाय थी एक झुंड में। भाई साहब ऑलमोस्ट 20 से 25 नीलगाय होती हैं, मतलब नीलगाय से ब्लू काऊ बोलते हैं लेकिन गांव में इसे नीलगाय से कुछ भी बोलते हैं, तो नीलगाय मेरे मुंह में आता रहता हमेशा। ये समस्या है क्या बोलने का? जस्ट अभी भाई साहब इतने ज्यादा नीलगाय यहाँ पर थे, सबको भगा के आ रहा हूँ अभी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सका। शिट गाइस, गेहूं के खेत में हम लोग पानी भी चला चुके हैं, नियर अबाउट 20 डेज हो चुके हैं। और ये देखो भाई साहब ये देखो पूरा खेत सूख चुका है गाइस, बहुत तकलीफ होती है। अभी गाइस 20 ही दिन हुआ चलाए पानी और फिर पूरा सूख गया, तो बुरा लगता है ना यार बार बार चलाना। वहाँ से गाइस वहाँ तक पूरा खेत है और घर पे अकेली हूँ मैं, अकेले चलाना पड़ता है गाइस। ये देखो पूरा सूख चुका है और पूरा फुल चलाए थे, फुल भर के। और भाई साहब इतना जल्दी सूखने का रीज़न ये है कि ओस नहीं गिर रही है, मतलब फोग नहीं हो रहा है, कोहरा नहीं हो रहा गाइस, इसलिए ये सूख जा रहा, हवा चल रही है पछुआई, इसी की वजह से हमारा खेत सूखा जा रहा है और लगता है कि फिर से पानी चलाना पड़ेगा। भाई साहब इसमें 3 दिन लगातार पानी चलाओ तो तब जाके पूरे खेत की सिंचाई हो पाती है। और इसमें गाइस पानी हम लोग अगले साल चलाएंगे, मतलब 2024 में। अच्छा 4 ही दिन है भाई साहब, गाइस बिलीव नहीं हो रहा, सिर्फ 4 दिन है 2024 को, 4 दिन बाद नया साल लग जाएगा 2024। क्या बात कर रहे, इतना जल्दी दिन गुजर रहा है ना पता ही नहीं चलता है, क्या करें कुछ भी। गाइस अकॉर्डिंग टू मी गेहूं की खेती भाई साहब सबसे आसान होती है, सही है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि गाइस गेहूं की खेती में एक बार पानी चला दो और फसल तैयार। लेकिन इस बार गाइस मौसम कुछ सही नहीं है, सो 2 बार पानी चलाना पड़ेगा, चला देंगे यार इसमें क्या है। और भाई साहब अभी इसमें दवा डालना भी बाकी है, तो जिस दिन पानी चलाएंगे उसके आफ्टर 2 या 3 डेज लेटर हम लोग इसमें दवा डाल देंगे। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट गाइस सी दिस, पूरा खेत सूख चुका है भाई, ये देखो अभी चप्पल पहने वरना पूरा अभी ईटा। अरे खेत में आने के भाई साहब मेरे 3-3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरा व्लॉग बन रहा है जो आप देख रहे हो, और दूसरा ये गाइस कि देखो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरे चैनल के लिए। ये भाई साहब मैं वीडियो बनाता हूँ इस्लामिक चैनल पर भी, अब उस पर भी एक्टिव रहने लगा हूँ, द इस्लामिक मीडिया करके चैनल है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये मेरा गाइस वॉइस ओवर का चैनल है, सिर्फ मेरा इस पे वॉइस रहता है, और ये चैनल भी गाइस मेरा ही है। आपको अगर इस्लामिक कंटेंट्स पसंद हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ये है गाइस कि मेरा खेत सेफ रहता है, मेरा यहाँ से वीडियो भी बन रहा है और मैं अपना खेत भी देख रहा हूँ भाई साहब। तो चलते हैं गाइस कुछ वॉइस ओवर कर ले इस्लामिक चैनल के लिए, देख सकते हो अभी इस्लामिक नेम्स पर हम लोग सीरीज बना रहे हैं, मतलब ए से जेड तक जितने इस्लामिक बच्चों के मुस्लिम बच्चों के नेम्स होते हैं उन पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। चलते गाइस पहले वीडियो बना ले फिर व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। भाई साहब मैं विलेज की और खेतों की और नेचर की वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट 10% जो ऑडियंस है मेरे चैनल की वो अदर कंट्रीज की हैं, मतलब जो लोग गल्फ कंट्रीज में वर्क करते हैं वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते रहते हैं,
और कमेंट करते हैं कि गांव की वीडियोस दिखाओ, तो भाई साहब उनके लिए मतलब बना देते हैं। और गाइस नियर अबाउट 90% ऑडियंस मेरी इंडिया की है, तो भाई साहब सबके लिए वीडियोस बनाते हैं। और जितने लोग गाइस कमेंट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो सबके कमेंट पर गाइस वीडियो बनाएंगे। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक भाई कमेंट कर रहे हैं डुमरियागंज से, कोई अल अशरफ पब्लिक स्कूल है उस पर वीडियो बनाना है, तो जल्दी बनाऊंगा भाई। और एक भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं तिलगड़िया बुजुर्ग की वीडियो बनाने के लिए, तो भाई साहब आपके लिए स्पेशल तिलगड़िया बुजुर्ग की वीडियो बना देंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइए, हम उस तरफ जिस दिन जाएंगे पूरा वीडियो बना लाएंगे भाई साहब। गाइस अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइज मतलब मनी और मनी मतलब मोटिवेशन, तो भाई साहब सपोर्ट करो यार, मोनेटाइज हो जाए फिर उसके बाद देखना गाइस। मोटिवेशन ही मोटिवेशन रहता है, मतलब अगर पैसा आने लगे भाई साहब निकाली अब फिर तो वीडियो बनेंगी। ये देखो गाइस वॉइस ओवर कर चुके हैं, तो अब चलते हैं घर की तरफ। और आज के इस वीडियो में भाई साहब इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सपोर्ट करो यार। बाय।